नमस्कार। चैप्टर 10 चल रहा है हमारा विद्युत धारा। इसमें हम प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था और उसके बाद पढ़ा था हमने प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन हमने पढ़ा कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। चित्र से द्वारा समझाऊंगा मैं, देखो आप। ये एक प्रतिरोध लिया मैंने और ऐसे जोड़ा, यहां एक लिया, इसको ऐसे जोड़ा और यहां एक लिया, इसको ऐसे जोड़ा, तीनों को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद यहां मैंने परिपथ में एक बैटरी लगाई, कुंजी लगाई और यहां धारा नियंत्रक लगा दिया। ठीक है, बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2 और प्रतिरोध R3। एक संयोजन तो ये है हमारा। दूसरा संयोजन मैंने इधर किया, और यहां से मैंने तार लगा करके, आप टेढ़ा मेढ़ा कैसे बना दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, और ये मैंने बनाया टेढ़ा बनाया ना थोड़ा। तो यहां प्रतिरोध है R1, R2 और R3। ठीक है, तो अब आपको पता करना है कि कौन कौन से संयोजन समांतर क्रम में है और कौन कौन से संयोजन श्रेणी क्रम में है। तो हम देखेंगे कि ये तीनों प्रतिरोधों के एक सिरे एक बिंदु से जुड़ रहे हैं और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हुए हैं। तीनों के एक सिरे एक बिंदु से, दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हुए हैं, तो ये कौन सा क्रम होगा? समांतर। इधर ये दोनों प्रतिरोध को देखो आप, दोनों के एक सिरे एक बिंदु से और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये दोनों तो हैं समांतर। अब इनका जो तुल्य आएगा, इनका जो कुल आएगा, उसका मान अगर मैं R4 रख दूं यहां पर, तो ये R4 और R3 ये दोनों आपस में कैसे हैं? श्रेणी क्रम में। तो इन क्वेश्चंस का मेरा स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आपको संयोजन पहचानना भी आना चाहिए, आपको प्रतिरोधों का संयोजन पहचानना भी आना चाहिए कि किस तरह का प्रतिरोधों का संयोजन है। समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम में हमने कुल प्रतिरोध या जिसे हम तुल्य भी कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध हमने ज्ञात कर लिया था, जो कि क्या आया था? वन अपॉन आर कुल बराबर वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री प्लस, और अगर आगे लगे हुए हैं तो वो यहां पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आर वन आर टू आर थ्री लगे हुए हैं और अगर ज्यादा प्रतिरोध है तो वो भी इसके आगे ऐड होते चले जाएंगे। ये तो था समांतर क्रम के लिए। अब हम बात करेंगे आज श्रेणी क्रम संयोजन। मैं अलग से ही बात करूंगा क्योंकि समांतर क्रम हमने पूरा कर ही लिया था, अब बात करेंगे हम श्रेणी क्रम संयोजन की। तो प्रतिरोधों का संयोजन में पहला है श्रेणी क्रम। पहला तो क्यों होगा? ये होगा दूसरा। पहला तो हम पहले पढ़ चुके हैं समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन हमने पढ़ा था कि एक का सिर दूसरे की पूंछ से जोड़ दो। भाई समांतर क्रम में तो सबकी पूंछ एक जगह बांध दी और सबके सिर एक जगह बांध दिए, लेकिन श्रेणी क्रम में एक का सिर और दूसरे का पूंछ होगी। देखो कैसे, R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध मैंने लिए, तीनों को जोड़ा,
और बैटरी से संयोजित कर दिया, कुंजी लगा दी, चाहो तो आप मीटर लगा दो, अपनी इच्छा है, लगाएं लगाएं नहीं लगाएं, और रियो स्टेट भी लगा दो, धारा नियंत्रक भी लगा दो। इस तरह से ये एक परिपथ हमारा तैयार हो गया है। इसमें हमने तीन प्रतिरोध लगाए हैं, R1, R2 और R3। ये कुंजी है, बैटरी का विभव V है, ठीक है, बैटरी का विभव V है, कुंजी K है और परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I है। हमने देख लिया परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I है, बैटरी का विभव V है, कुंजी के लगी हुई है, इससे इसका तो नाम है ये। तो अब हमें पता करना है कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोध कितना होगा, वो पता करना है हमें। तो उसके लिए देखिए श्रेणी क्रम में धारा सभी प्रतिरोधों पर समान रहती है, लेकिन विभवांतर अलग-अलग रहता है। अलग अलग रहता है, ठीक है। अब विभवांतर यहां से तो V है, बैटरी का V है, अगर मैं मान लूं कि तीनों प्रतिरोधों का मान समान है, R1 बराबर R2 बराबर R3, तो तीनों पर ये V बराबर बराबर बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर अलग अलग मानेंगे तो यहां पर विभवांतर V1 है, यहां पर विभवांतर V2 है और यहां पर विभवांतर V3 है, धारा पूरी में आई जा रही है, तो यहां पर धारा आई, यहां पर भी धारा आई और यहां पर भी धारा आई, ठीक है। तो विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये जो V है ये बट गया V1 प्लस V2 प्लस V3 में, ठीक है। ओम के नियम से V बराबर IR, V1 बराबर, ये लिख देता हूं मैं, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। आई समान है ना सब जगह, तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हुआ। अब इधर आइए आप, समीकरण 1 में आ गया, समीकरण 1 में V1 V2 V3 का मान रखने पर देखिए V बराबर IR, तो IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, क्लियर। ये आर कुल है क्योंकि ये आई आर हमने कुल के लिए लिखा है, देखो वी कुल के लिए लिखा है हमने आई आर, तो आर कुल बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आ गया हमारा तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम का, क्या आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, आर कुल या आर तुल्य।
ये हुआ श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध जो हमें याद भी रखना है, ये हमें याद भी रखना है। आप क्रम पहचान लें, पहचानने के बाद सूत्र लगा दें सीधा और आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, एक चित्र बना रहा हूं, ये देखो, ये एक चित्र बनाया मैंने, तीन प्रतिरोध जोड़े हैं आर वन आर टू और आर थ्री। अब प्रश्न आ जाए कि इनका तुल्य निकालो, मान रख देता हूं मैं इसके बजाय, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपको मिटाना नहीं है, अरे मिटाना नहीं है आपको, जो बना दिया काटना नहीं उसको। देखो क्या करें आप, आर वन बराबर दो लिख लें, आर वन लिखा हुआ आपने, आर टू बराबर पांच लिख लें और आर थ्री बराबर सात लिख लें, सब लिखे हुए ना आपने पहले से ही, तो ये मान लिख लें आप बस। अब क्या करें, आर कुल निकालने के लिए इसका मान यहां रख दें, इसका यहां रख दें और इसका यहां रख दें, ठीक है आंसर। इसको हटा रहा हूं मैं, अब देखिए इधर से, आर कुल बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तीनों का मान रखा, दो और पांच और सात बराबर चौदह ओम, है ना, यूनिट ओम है, तो यहां सब में हम ओम भी लगाएंगे। तो इस तरह से हम कुल प्रतिरोध निकाल लिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों प्रतिरोध हैं, इन तीनों प्रतिरोधों को हटा करके, मतलब समझ ले आप, क्योंकि मतलब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो प्रश्न आएगा वो किसी एक कॉम्बिनेशन का आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, वो मिक्स करके देगा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों को मिक्स करके परिपथ बनाएगा। तो वहां आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि इस 14 ओम आने का मतलब है कि इन तीनों को मैं हटा के एक ही प्रतिरोध लगाऊं तो उसका मान कितना होगा, 14 ओम। कैसे, देखो पहले बैटरी बना लेता हूं, ऐसे कैसे मैंने बैटरी बनाई, ये लो और ये कुंजी लगा दी, ठीक है, और यहां से ये ऐसे आ गया, ये इधर से यूं आ गया, इसको यहां से सारे हटा दिए और एक ही हमने जोड़ा तो उसका ओम मान कितना होगा, 14 ओम का होगा, ठीक है। अब इस परिपथ को आप ऐसे भी बना सकते हो, क्योंकि तार है, तारों को कहीं से कैसे भी मोड़ दो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरह से भी इस परिपथ को बना सकते हैं और यह मान कितना हो गया हमारा, 14 ओम, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी परिपथ में तुल्य प्रतिरोध निकाल करके और उसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं प्रश्न करूंगा, इसके प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है, सूत्र दोनों आपको पता चली गए, एक मैंने दो प्रतिरोधों के समांतर क्रम वाला सूत्र भी आपको बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूं उसी को। समांतर क्रम में यदि दो प्रतिरोध हैं, कितने, दो, तो उसमें क्या सूत्र बनेगा, सिंपल सा देखो, ये आर वन है और ये आर टू है, समांतर क्रम है, आर कुल बराबर क्या होगा, एक बटे आर कुल बराबर एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू। अब निकालने के लिए एक बटे आर कुल बराबर, यहां आर वन आर टू एलसीएम आ गया तो आर टू प्लस आर वन ऊपर आ जाएगा। अब ये कुल नीचे इसको ऊपर ले जाओ तो आर कुल बराबर आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, मतलब दोनों प्रतिरोधों का गुना करें और दोनों प्रतिरोधों को जोड़ दें और उनमें आपस में भाग कर दें, तो यहां इससे आप तुल्य प्रतिरोध दो प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जुड़े होने पर आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको पूरा और लिख लें आप एक बार,
गया, दो प्रतिरोध जब समांतर क्रम में जुड़े हुए हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, अब मैं यहां परिपथ बनाऊंगा और उस परिपथ का हमें आंसर निकालना है। तो देखो मैं परिपथ बना रहा हूं, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रश्न है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, और प्रतिरोधों के मान क्या है वो यहां लिखी हुई, 6 ओम 6 ओम 3 ओम और 6 ओम 6 ओम। ठीक है, अब यहां आइडेंटिफिकेशन करना है आपको कि ये किस तरह से जुड़े हुए हैं और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। उसके लिए आपको मिलते हैं 2 मिनट, कीजिए फिर मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, यह वाला प्रश्न दिया था आपको। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब हम देखिए साइड से, मैं इसको 2 वाले को तो हटा रहा हूं। सॉल्व करने के लिए यहां हमें 2 तरह की चीज मिल रही है कि ये 6 ओम और 6 ओम आपस में समांतर क्रम में हैं। ये 6 ओम और 6 ओम आपस में समांतर क्रम में है, ये 6 ओम और 6 ओम आपस में समांतर क्रम में है। समांतर समांतर ऐसे, चलो ऐसे लिख देते हैं ना, ये भी आपस में समांतर क्रम है और इनका रिजल्टेंट प्लस 3 ओम और इनका रिजल्टेंट आपस में श्रेणी क्रम में होंगे। तो पहले क्या करें, हमें दोनों समांतर क्रम वालों को
सॉल्व कर लें, इन समांतर क्रम वालों को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 6 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में और दो हैं, तो हमने सूत्र पढ़ाया दो के लिए, अगर दो समांतर हैं तो उनका कुल क्या होगा। अगर ये दोनों समांतर हैं तो हमने पढ़ रखा है आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, यही सूत्र लगा रहा हूं। देखो आर वन 6 गुना 6 बटे 6 प्लस 6 36 बटे 12 बराबर 3 ओम। जब दो समांतर हैं दोनों का कितना आ रहा है 3 ओम। ठीक है, अच्छा ऐसे नहीं करना चाहें आप, सिंपल तरीके जो पुराना तरीका है हमारा, जो डिटेल तरीका उसे करना चाहें तो देखो 1 बटे आर कुल बराबर 1 बटे 6 प्लस 1 बटे 6, आंसर वही आएगा। एलसीएम ले लिया हमने 6, 1 प्लस 1 बराबर 1 बटे आर कुल बराबर 2 बटे 6 और आर कुल बराबर 6 बटे 2 उल्टा हो जाएगा और 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर वही आएगा चाहे आप इसको कैसे भी करें भाई, 1 बटे आर कुल 2 बटे 6 आया तो आर कुल 6 बटे 2 बराबर 3 आ जाएगा। ठीक, तो इनका 3 आया, इसका मतलब अब मैं चित्र बना रहा हूं आगे दूसरा, तो इन दोनों को हटा करके मैं एक 3 ओम का प्रतिरोध यहां पर लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं। इन ये बीच का 3 ओम पहले ही लगा हुआ है, अब इन दोनों को हटाना है मुझे, तो इन दोनों को हटा करके मैं फिर वही ये ऐसे सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आएगा 3 ओम ही आएगा, क्योंकि सेम तरीका है सॉल्व करने का, जब वैल्यू सेम है तो तरीका भी सेम है, आंसर भी सेम है। अब हमारे पास चित्र ये 1 था, ये चित्र 2 है, इससे हमें अब निकालना है कुल। तो देखो ये तीनों आपस में कैसे लगे हुए हैं, ये तीनों आपस में लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में, देख रहे हैं ना हमें, तीनों अब श्रेणी क्रम में हो गए। तो श्रेणी क्रम का आर कुल होता है आर कुल श्रेणी क्रम आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री बराबर 3 प्लस 3 प्लस 3 बराबर 9 ओम। अब तीसरा चित्र जो बनेगा वो इन तीनों को हटा करके ही बनेगा और यहां पर हम पूरा का पूरा 9 ओम का प्रतिरोध लगा दूंगा, ये फाइनल आंसर हमारा आ चुका। इसका मतलब इन सब को हटा करके हम यहां एक प्रतिरोध लगाए तो उसका मान 9 ओम होगा, 9 ओम होगा, ये हमने दर सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। तो इस संयोजन का ये आंसर है। अब मैं इधर एक दूसरा चित्र बना लाऊं, ये तो आपने कर ही लिया और नहीं तो आपको ये करना आता भी है। यह है प्रश्न, तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं और क्वेश्चन है परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करो। यह चित्र बना हुआ है और इस परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं, आप इतनी देर तक नहीं रहने देंगे यहां।
देखिए, परिपथ में धारा ज्ञात करने के लिए हमें पता है धारा I बराबर ओम के नियम से V बराबर आई आर, तो I बराबर V बटे R। अब ये जो R होगा ना, ये R कुल होगा, ये R कुल होगा। इसका मतलब इस संयोजन का जो R कुल आएगा वो R कुल हमें यहां रखना होगा। अब हमें ज्ञात करना है R कुल। देखिए R कुल के लिए देखना पड़ेगा संयोजन, तो इन दोनों के एक एक सिरे एक जगह है, तो ये दोनों तो हैं समांतर क्रम में और इनका जो आंसर आएगा उसके ये श्रेणी क्रम में है, यही है ना, ये दोनों समांतर क्रम और उस आंसर के ये श्रेणी क्रम। तो हमें R कुल निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, 4 ओम ये रहा प्लस उनका समांतर क्रम, समांतर ऑफ 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम का, तब ये आपस में श्रेणी क्रम में ऐड हो जाएंगे। तो पहले हम उसका निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो पहले इन दोनों का निकाल रहा हूं मैं, इन दोनों का, वैसे तो आपको देख के पता लग गया होगा कितना आएगा, अभी हमने 6-6 ओम का निकाला था ना, और ये आप याद भी कर लें, दो समांतर क्रम में समान मान के प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उनका रिजल्टेंट आधा, किसी एक का आधा आएगा, ठीक है। देखो R समांतर बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 4 गुना 4 प्लस 4 प्लस 4 बराबर 2 ओम आ गया। अब R कुल, अब ये दो और ये चार आपस में कैसे होंगे, देखो यहां चित्र बना रहा हूं छोटा सा मैं, ये तो 4 ओम है और इन दोनों का आया था 2, तो कितना हो गया 6 ओम। R कुल बराबर 4 ओम प्लस 2 ओम बराबर 6 ओम। अब इससे हम धारा निकाल लेंगे, तो I बराबर V, वोल्टेज कितना है बैटरी का 12 वोल्ट, तो 12 बटे कुल प्रतिरोध 6 ओम, 6 बराबर 2 एम्पियर, ये आंसर आ गया। देखो उसने पूछी धारा थी, लेकिन धारा के लिए एक्सरसाइज पूरी करवा दी, काम पूरे करवा लिए उसने क्वेश्चन में, तो अब जो परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना होगी वो इसी तरह की होगी। अब आपसे तुल्य प्रतिरोध पूछने की संभावना है कम है, अब आपसे पूछेगा वो परिपथ में धारा, या फिर वो पूछ लेगा कि किसी एक प्रतिरोध का नाम दे देगा कि उस प्रतिरोध पर कितना विभवांतर होगा। अब समांतर क्रम में तो सेम होता ही है, पूछेगा तो श्रेणी क्रम का ही पूछेगा, वो श्रेणी क्रम का पूछेगा ना, क्योंकि अगर वो पूछ ले कि ये दोनों आपस में समांतर हैं लेकिन ये दोनों आपस में श्रेणी है, तो ये 12 है ना, ये 12 2 और 4 के अनुपात में बढ़ जाएगी, इसका 2 आ रहा है ना, 2 और 4 के अनुपात में बढ़ जाएगी यहां पर, ठीक है। 6 यहां पर 8 होगी, यहां पर 4 वोल्ट, 8 वोल्ट विभवांतर आएगा या 4 वोल्ट विभवांतर आएगा, ठीक है, और ये 4 वोल्ट विभवांतर इस पर बराबर रहेगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं लेऊंगा अभी ले लेता हूं, देखो उसमें मैं श्रेणी रखूंगा जिससे विभवांतर अपने आप अलग अलग हो जाए, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, तो धारा 2 एम्पियर आई तो यहां पर 2 एम्पियर इस पे भी रहेगी और इस पे भी रहेगी, ठीक है, धारा बराबर रहेगी। अब हम बात करें, एक चित्र और मैं आगे बना रहा हूं, इसको हटा देता हूं, तीन प्रतिरोध लगाए मैंने, यहां पर बैटरी लगाई और यहां पर लगाया मैंने कुंजी और धारा नियंत्रक। बैटरी का विभवांतर है, मैं थोड़ा सॉल्व इजी हो जाए ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं, 12 वोल्ट और 18 वोल्ट, बैटरी का विभवांतर है 18 वोल्ट, ठीक।
ठीक है। अब यहां पर मैंने ले लिया 6 ओम, 4 ओम और 6 ओम के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, ठीक है। यहां आपको निकालना है, हमें सबसे पहले निकालनी है नंबर एक, परिपथ में, इसको नौ कर देता हूं, है ना, अलग अलग ज्ञात हो जाएंगे। परिपथ में प्रवाहित धारा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, चार ओम के प्रतिरोध पर विभवांतर, ठीक है। दो प्रश्न हमें यहां सॉल्व करने हैं, एक तो परिपथ में प्रवाहित धारा मान, एग्जैक्ट तो मतलब पूरा पूर्ण तो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि 6 और 4 10 9 19 होते हैं, एक बढ़ गया वहां पर, लेकिन जो भी आएगा फ्रैक्शन में हम फ्रैक्शन में ही आंसर लिख देंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें निकालनी है परिपथ में प्रवाहित धारा, तो धारा आई बराबर वी वटे आर कुल। अब हमें निकालना है आर कुल, हमारे पास दिया हुआ नहीं है, तो वो आएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तीन है और तीनों श्रेणी क्रम में है, इसलिए हमें आर वन आर टू आर थ्री करना पड़ेगा। आर वन है 6 4 9 बराबर 19 ओम, आर कुल आ गया हमारा। अब हमें निकालनी है धारा, तो धारा आई बराबर विभवांतर है 18 वोल्ट और प्रतिरोध है 19 ओम, तो धारा हो गई 18 बटे 19 एम्पियर, ठीक है। जिस तरह से मैं कैलकुलेशन रखना चाह रहा था वो नहीं रखी हमने, और हमने कुछ इस तरह से मान रख लिए, ठीक है ना। अगर हम मैं उसको 2 ओम कर देता हूं तो भी इस तरह का फ्रैक्शन आएगा, ठीक है, और अगर 8 ओम कर देता हूं तो हमारा आंसर यहां 1 एम्पियर आ जाएगा। आ रहा समझ में आपके? देखो मैं और एक चित्र बना देता हूं और इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जरूरी नहीं है परीक्षा में प्रश्न ऐसा ही आ जाए, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। 6 ओम, 4 ओम और 8 ओम। अब 6 और 4 10 और 8, देखो मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूं ये आपको कि आप फटाफट श्रेणी क्रम का जल्दी निकालना सीख जाओ, श्रेणी क्रम देखते ही निकाल दो, ठीक है। 6 और 4 10 और 8 18 ओम, ये लो कुल प्रतिरोध, ये है दे रखा है यहां पर 18 वोल्ट, आई बराबर 18 बटे 18 बराबर 1 एम्पियर। फटाफट से आंसर लो, क्या कितनी देर लगी इसको निकालने, ठीक है। तो इसी तरह से यहां पर अब दूसरा प्रश्न है, 4 ओम के प्रतिरोध पर विभवांतर, ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड है 4 ओम के सिरों पर विभवांतर, हमने पढ़ा है कि V बराबर आई आर, अब ये V बैटरी का नहीं है, ये इस 4 ओम के सिरों पर ज्ञात करने वाला विभवांतर है, ठीक है। अब हमें पता है कि श्रेणी क्रम में धारा समान रहेगी, धारा यहां है मान लो 18 मान क्या लो है ही 18 बटे 19 एम्पियर, तो यहां भी कितनी होगी 18 बटे 19, यहां भी 18 बटे 19 और यहां भी 18 बटे 19, धारा सभी पर बराबर है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। श्रेणी क्रम में धारा क्या होगी, सभी प्रतिरोधों पर समान होगी और समांतर क्रम में अलग अलग होगी, ठीक है। अब B बराबर आई आर, आई का मान कितना है 18 बटे 19 इंटू आर कितना है 4 ओम, तो ये आ गया 18 चौको 72 बटे 19 वोल्ट, ये आंसर आ गया 4 ओम के प्रतिरोध पर, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है इस बार, ठीक है। तो आप ये बहुत अच्छे से समझ लेना कि किसी भी प्रतिरोध पर धारा पूछ ले निकाल देंगे, विभवांतर पूछ ले, धारा पूछेगा सब में सेम श्रेणी समांतर में पूछा है तो वो कैसे आएगा वो मैं अगली क्लास में बता दूंगा आपको, वहां भी इसी सूत्र से आ जाएगा सारा काम, इससे आ जाएगा। आर वो पर्टिकुलर रखना है आपको, बस विभवांतर समान आर पर्टिकुलर रखो और आप आंसर प्राप्त करो, ठीक है। तो वहां पर आपको इस सूत्र से काम होगा हमारा,
यहां पर इस सूत्र से काम होगा हमारा, क्योंकि धारा समान है, हमें विभवांतर ही तो प्रतिरोध तो अलग अलग रखना ही है, ठीक है, विभवांतर ज्ञात करना है। तो इस तरह से आप किसी भी प्रतिरोध पर धारा ज्ञात, पर्टिकुलर प्रतिरोध पर धारा ज्ञात कर सकते हैं और विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं, और परिपथ में धारा ज्ञात करने की हमें उसका कुल प्रतिरोध निकाल करके और विभवांतर से भाग दे के आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रतिरोधों के संयोजन के प्रश्न कर सकते हैं, एक प्रश्न आना निश्चित है। तो यह बहुत ध्यान से समझ लें और किताब के जो प्रश्न हैं उनको भी सभी को हल कर लें, फिर हम आगे अगली क्लास में इसको बढ़ाएंगे, चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।